हेलो फ्रेंड, आज हम आपको एचपी लेजरजेट 137 टोनर रिफ़िल करके दिखाएंगे कि कैसे मैन्युअली आप लोगों को रिफ़िल कर सकते हैं। पूरा ये जो रिफ़िल है, ये प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे ए टू जेड। ये बहुत तरीके से है आप लोग ये रिफ़िल कर सकते हैं, और इसका पार्ट नंबर है W1370A और प्रिंटर मॉडल नंबर है एचपी लेजरजेट 223DW। तो ये जो टोनर है, ये टोनर नए हैं और प्रिंटर भी मार्केट पे कई दिन हुआ है, तो ये हम आज रिफ़िल करके दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें कौन सा इंक इसमें ज़रूरी है, लगेगा कौन सा इंक और किस तरह कर सकते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल द टेक्निकल इंट्रो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन एज सून एज पॉसिबल फॉर मोर एंड गेट नोटिफिकेशन। दोस्तों, मैं हूँ राजकुमार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया और यूनिक वीडियो। तो ये जो टोनर है, इस टोनर को हम मैन्युअली आप लोगों को रिफ़िल करके दिखाएंगे। तो देखिए, ये टोनर है, इस टोनर का इस पार्ट में देखिए एक स्क्रू है इस साइड में, और ये जो स्क्रू है, ये स्क्रू हम फोरहेड जो स्क्रू ड्राइवर है उससे हम खोल देंगे इस तरह। ये आप लोग जानते हैं कि जो 12 का टोनर है, 88 टोनर है, 35 का है, इस तरह बहुत सारा 78 टोनर, बहुत सारा टोनर आप लोग रिफ़िल करते देखे होंगे। लेकिन ये टोनर थोड़ा अलग है क्योंकि ये नया मॉडल का है, और ये देखिए इस तरह आप लोग इसको निकाल पाएंगे। और ये जो वाइट पॉइंट देख पा रही है, इसको डैमेज करना पड़ेगा क्योंकि ये फिक्स्ड रहते, तो इसको थोड़ा प्रेशर देके डैमेज करना पड़ेगा। और अब हम क्या करेंगे, अंदर भी और एक स्क्रू है, इस स्क्रू को भी हम निकाल देंगे। और ये देखिए दोनों साइड में स्प्रिंग जैसा है, तो ये देखिए इस तरह ये प्रेशर लेते हैं। तो पहले ये जो स्क्रू है, स्क्रू को हम खोल देंगे। फर्स्ट टाइम एक स्क्रू निकाला, उसके बाद वो जो ऊपर का जो पार्ट था उसको निकाल दिया, फिर अंदर ये दूसरा स्क्रू है, और ये दोनों पार्ट में अलग हो जाएगा। तो आप लोगों को थोड़ा इस तरह आगे पीछे करके थोड़ा प्रेशर देना पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड में ही बोथ साइड में लॉक जैसा है। ये देखिए अब दोनों पार्ट अलग है, एक वेस्टर्न इंक का पार्ट है, एक इंक ड्राम का पार्ट है। तो वेस्टेजिंग में ये इमेज ड्रम लगे रहते हैं, और उसके साथ पेशा रोलर। और ये जो पार्ट है, इस पार्ट को ज़्यादातर लोग इसको क्लीन नहीं करते, लेकिन हम क्लीन करके आपको दिखाएंगे और इसका क्या बेनिफिट है वो भी हम बोलेंगे। क्योंकि देखिए ये बहुत दो तीन बार आप लोग अगर रिफ़िल कर रहे तो इसमें बहुत सारा वेस्टेज इंक जमा हो जाते हैं, और जब आप लोग इसको प्रिंटर के अंदर इंस्टॉल करेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारा इंक प्रिंटर के अंदर गिर जाए। इसके थ्रू क्या होगा, जब प्रिंट लेंगे तो बहुत सारा स्पॉट आ जाएगा, ब्लैक काली पूरा प्रिंटर के अंदर चले जाएगा। तो सबसे अच्छा है इसको जितने बार आप लोग रिफ़िल करें हर बार इस तरह क्लीन कर दीजिए, ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। सिंपल सा स्टेप है, दो स्क्रू सिर्फ निकालना है और फिर से इस तरह क्लीन करके फिर से स्क्रू को लगा देना है, बस और कुछ नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जो रिफ़िल करते वो क्या करते, इसको छोड़ देते, रिफ़िल नहीं करते, मतलब इसको क्लीन नहीं करते। और ये देखिए ये एक पेशा रोलर है, और इस तरह हम इस जगह को पूरा क्लीन कर लेंगे। और ये देखिए इस रोलर को इस तरह सेट कर देंगे, इसका कोई लेफ्ट राइट साइड नहीं है, आपका जिधर मन चाहे आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो इमेज ड्राम है, इमेज ड्राम जब आप लोग क्लीन करेंगे बहुत ही केयरफुली करना होगा क्योंकि कोई स्क्रैच वगैरह ना आए,
और ये जो हम कपड़े यूज़ कर रहे हैं ये पूरा कॉटन का है, 100% क्लीन है और कॉटन का है, बहुत सॉफ्ट कपड़े है। और अब भी इस तरह का कपड़े यूज़ करें तो अच्छा है। अब देखिए जो इंक ड्रम का पार्ट है वो पार्ट इस तरह है, और हम और एक स्क्रू है जो स्क्रू खोलने से इसका जो मैग्नेट है, पहले इस पार्ट को हम खोल लेते हैं, जो मैग्नेट को इधर सेट करके रखते हैं, ये देखिए इस तरह इस पार्ट को अलग कर दिया। और अब ये देखिए ये जो निकल रहा है इसको मैग्नेट बोलते हैं, तो इस मैग्नेट को हम इधर रख देते हैं। और अब देखिए ये जो पार्ट है ये इंक ड्रम पार्ट है, तो इसको हम पुराना वाला जो इंक है इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं इस तरह। और अब ये देखिए एक डस्ट इंक है जिसका ये नॉन मैग्नेटिक इंक है, तो ये जो हम इंक यूज़ कर रही है ये 88A का इंक है, ये प्रोडक्ट का सबसे अच्छा इंक है, आप कोई भी कंपनी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह हम ऊपर से रिफ़िल कर देते हैं और बीच बीच में इस तरह हम थोड़ा हिला देंगे कि पूरा जो इंक है वो अंदर चले जाए। और अब देखिए थोड़ा जूम आउट करके भी दिखाते हैं इस साइड से, ये देखिए। और जब आप लोग रिफ़िल करेंगे उसके पहले ये डस्टिंग को ठीक से एक बार सेक कर लीजिए। तो इस तरह मैंने जो टोनर है टोनर को इस तरह रिफ़िल कर दिया। आप चाहें तो दूसरे साइड से भी वो रिफ़िल कर सकते हैं, लेकिन मैंने किया नहीं है। बहुत सारा तरीका है, हम इस तरह का आप लोगों को दिखाएं, ये मेरे को अच्छा लगते। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो मैग्नेट पार्ट है मैग्नेट पार्ट को हम पहले क्लीन कर देंगे। उसके पहले ये देखिए मैग्नेट जो अंदर है इस पार्ट को अलग से रखते हैं, और ऊपर का ये जो पार्ट है इसको हम इस तरह कपड़े से क्लीन कर देंगे, क्योंकि ये मैग्नेट क्या करते हैं इंक को अपने पास खींचते हैं और सप्लाई करते हैं इमेज ड्राम को। तो ये देखिए क्लीन हो चुका है। अब जो मैग्नेट है उस मैग्नेट का जो ये रड है वो अंदर डाल देंगे इस तरह। और अब ये प्लास्टिक का ये पार्ट इसमें इस तरह डाल देंगे, दोनों साइड में दो रहते हैं, एक साइड में ब्लैक एक साइड में वाइट, कभी कभी ब्लैक भी होता है दोनों साइड में, कभी वाइट कलर भी होता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम ही है। आप इधर का उधर ही लगा सकते हैं, उधर का इधर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से हम जो मैग्नेट पार्ट है वो सही ढंग से लगा दिया, उसमें जो मैग्नेट का ये देखिए ये वाला इसमें एक पॉइंट है, तो वो हम देख के इधर सेट कर देंगे। इस तरह ये पार्ट सेट हो चुका है। अब ऊपर का जो ये प्लास्टिक है ये कवर भी इस तरह हम इसमें डाल देंगे। तो इसमें क्या होगा कि ये जो मैग्नेट है ये मैग्नेट बाहर नहीं आ पाएगा, सेट हो जाएगा, ये देखिए इस तरह हो गया सेट। अब इस स्क्रू को फिर से हम इसमें सेट कर देते हैं, तो हो गया रेडी। अब थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। हम ये जो वीडियो है इस वीडियो में पूरा नॉर्मल तरीका दिखाए हैं, बहुत सारा तरीका होता है कि आप ब्लोअर से इसको क्लीन कर सकते हैं, हाथ में ग्लव्स पहन सकते हैं, लेकिन मैंने जो चीज़ इसमें यूज़ किया बहुत ही घरेलू चीज़ यूज़ किया, जस्ट एक स्क्रू ड्राइवर एक इंक और उसका बैटल और थोड़ा कपड़ा बस, तो हो चुका है ये रेडी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छे लगे, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज इतना ही, जय हिंद, नमस्कार।